हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द अर्लीस्ट सोसाइटीज। तो बच्चों, जो इंसान था वो हजारों साल पहले पृथ्वी पर, उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला। पुराने समय में जो लोगों का जीवन था वो आजकल के समय के जीवन से बहुत अलग था। हजारों साल लग गए ह्यूमंस को सभ्यता के इस प्रेजेंट स्थिति तक पहुंचने के लिए। तो ह्यूमन बीइंग्स ने अपना वो समय, ह्यूमन बीइंग्स से पहले जिससे आदमी ने लिखना सीखा उसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। एंड पीपल हु लिव्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और जो लोग इस प्री हिस्टोरिक पीरियड में रहते थे उनको प्री हिस्टोरिक पीपल बोला गया। जो प्रिमिटिव मैन थे उन्होंने अपनी उन्होंने कोई सेटल्ड अपना जीवन नहीं जिया। उनके पास कोई घर नहीं थे रहने के लिए, ना ही खेती की कोई नॉलेज थी उनको। तो वे जो थे ज्यादातर फलों पर, रूट्स पर, बेरीज पर या कच्चे मीट को खाने के लिए उन पर निर्भर थे। तो वो अपना खाना खुद नहीं प्रोड्यूस कर पाते थे। प्री हिस्टोरिक जो लोग थे वो हंटर्स थे, गैदरर्स थे और बंजारे थे। वो एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में, पानी की तलाश में, शेल्टर की तलाश में घूमते रहते थे। वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, फल इकट्ठा करते थे, नट सीड्स इकट्ठा करके वो अपना जीवन यापन करते थे। तो ज्यादातर जब प्लांट्स और एनिमल्स का उनके खाने के लिए एक जगह पर खत्म हो जाते थे तब वो दूसरी जगह पर चले जाते थे और वहीं पर रहने लगते थे। द स्टोन एज, तो हर अर्ली ह्यूमन जो था उसने बहुत स्टोन्स के यूज से अलग अलग टूल्स बनाना सीखा। और जो पत्थरों के औजार थे, हथियार थे, वो कुछ पर्पस के लिए यूज किए जाने लगे, जैसे जानवरों का शिकार करने के लिए, जानवरों की स्किन को हटाने के लिए, मीट का पीस काटने के लिए, फलों को काटने के लिए या पेड़ों और जंगलों को साफ करने के लिए। तो स्टोन जो थे वो मेन मटेरियल थे जिनसे औजार बनाया जाता था। तो उस युग को स्टोन एज के नाम से बोला जाता है। स्टोन एज की पढ़ाई की सुविधा के लिए उसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ओल्ड स्टोन एज या पैलियोलिथिक युग जिसको बोलते हैं, मिडिल स्टोन एज या मेसोलिथिक एज, और तीसरा न्यू स्टोन एज या नियोलिथिक एज। तो ओल्ड स्टोन एज या पैलियोलिथिक एज की जब हम बात करें तो पैलियोलिथिक युग वो समय है जो 10,000 BC से 12,000 साल पहले का समय है। पैलियोलिथिक एज जो था फर्दर उसको बांटा गया अर्ली, मिडिल और लेटर पैलियोलिथिक में। तो पुराने जो पत्थरों के जो युग था उसमें ह्यूमंस जो थे वो पत्थरों के बने हुए टूल्स को यूज करते थे। मिडिल स्टोन एज में जिसे हम मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं, ये लगभग 2,000 साल तक चला, जो कि 10,000 BC से 8,000 BC तक के बीच में। पैलियोलिथिक एज की तुलना में इसमें जो औजार बने वो छोटे होते थे, शार्पर होते थे और एफिशिएंट होते थे। पत्थरों के अलावा वो जानवरों की हड्डियों से, सींग से भी टूल्स बनाने लगे। कुछ टूल्स जो थे जो इस पीरियड में बनाए गए उन्हें माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। न्यू स्टोन एज या नियोलिथिक एज, ये जो युग था ये 8,000 BC से शुरू हुआ और 4,000 BC तक चला। इसमें जो औजार यूज किए गए वो पहले वाले हथियारों से काफी इम्प्रूव्ड थे। वो ज्यादा नुकीले थे, उन पर चमकदार पॉलिश की जाती थी। जो हथियार मेनली इस समय में यूज होते थे वो थे एक्सेस, सिकल्स, स्पीयर्स, एरोस। बहुत बड़ी संख्या में औजार खुदाई में इस युग के मिले हैं। अब हम पढ़ते हैं प्लेसेस ऑफ शेल्टर। तो जो प्रिमिटिव मैन था वो मेनली दो चीजों से डरता था, जंगली जानवरों से और फोर्सेस ऑफ नेचर, प्राकृतिक आपदाओं से। तो ही वॉज ऑलवेज ऑन द मूव इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में हमेशा वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता था। एक ही किसी जगह पर वो अपना घर नहीं बनाता था। कभी कभी वो गुफाओं में रहता था, नदियों के किनारे, कभी वो पर्वत पेड़ पर चढ़ जाता था, कभी वो अपने आप को बचाने के लिए बारिश और जंगलों से पेड़ पर चढ़ जाता था। वो पानी के नजदीक रहना पसंद करता था जिससे उसे पानी की दिक्कत ना हो। टूल्स एंड वेपन्स, बड़ी संख्या में जो औजार थे वो तीन युग के पीरियड्स के बने बहुत सारी जगहों पर मिले हैं। मोस्ट ऑफ देम जो थे उनमें से स्टोन से बने हुए थे क्योंकि स्टोन उसमें वहां पर उस समय में इजीली अवेलेबल था। द ओनली थिंग ही कुड फाइंड अराउंड वाज स्टोन, इसलिए उसने पत्थरों से औजार हथियार बनाना शुरू कर दिया। उसी से वो जानवरों को मारता था।
टेक्निक्स यूज फॉर मेकिंग टूल्स, कौन कौन सी तकनीक यूज करता था अर्ली मैन? स्टोन ऑन स्टोन, पहले वो क्या करते थे, पत्थरों को शेप में करने के लिए दूसरे पत्थरों से, एक पत्थर को हाथ में पकड़ते थे और दूसरे को, दूसरे पत्थर से उसको रगड़ करके डिजायर्ड शेप देते थे। दूसरा था प्रेशर फ्लेकिंग, दे प्लेस द स्टोन टू बी शेप्ड इनटू टूल ऑन द फर्म सरफेस, जैसे कि किसी रॉक पर, किसी चिप पर, चीजल उसको करते थे, शार्प करते थे और उसको डिजायर्ड शेप देते थे। डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज, ये सबसे बड़ी खोज कही जाती है आदिवासी के समय में, क्योंकि इस समय इट केम बाय चांस, अचानक से आई थी एक ओल्ड स्टेन यूज में, क्योंकि इसमें दो पत्थरों को आपस में रगड़ करके एक चिंगारी का अनुभव किया गया और फिर उससे लाइट बनी, सूखी पत्तियां जलने लगी। तो डिस्कवरी ऑफ फायर से बहुत प्री हिस्टोरिक मैन के जीवन में बहुत बदलाव आए। आग ने उनको हीट और लाइट ही नहीं दी, बल्कि उनको बहुत तरीकों से जंगली जानवरों से बचाने में मदद की। सर्दियों के सीजन में वो आग जलाकर अपने आप को गर्म रख सकते थे, आरामदायक महसूस कर सकते थे। बाद में वो अपना खाना पकाने लगे, उसमें सॉफ्ट और टेस्टी बनाने के लिए भी यूज करने लगे फायर को। रॉक पेंटिंग्स ऑफ द पैलियोलिथिक एज, तो बच्चों ओल्ड स्टेज स्टोन एज या पैलियोलिथिक एज जो था, उसमें गुफाओं पर बहुत सारी पेंटिंग्स और ड्रॉइंग्स बनी हैं, जो कि अर्ली मैन के आर्टिस्टिक स्किल्स के बारे में बताती हैं। ये जो ड्रॉइंग्स थी, ये अल्टामीरा जो स्पेन में है, लेस्कोस जो फ्रांस में है, वहाँ की गुफाओं में मिली है। भारत में भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका में, उत्तर प्रदेश के सदर्न पार्ट में, ये पेंटिंग्स जो थी आर्टिस्टिक सेंस को शो करती हैं। तो पेंटिंग्स में ज्यादातर शिकार करते हुए जानवरों की, क्यूमिनल डांसिंग की, वुमेन जो है वो खाने को ग्राइंड कर रही हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट की पिक्चर्स बनी होती थी। भीमबेटका, मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका है वो अपनी प्री हिस्टोरिक रॉक पर पेंटिंग्स के लिए फेमस है, और ये इसकी प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स जो है बहुत ज्यादा फेमस है। वो जो थे पेंटर्स, उसमें पेंट यूज करते थे जो प्रोबेबली बहुत सारी रॉक्स और मिनरल्स को ग्राइंड करके तैयार किया जाता था, उसमें पानी और रेजिन मिलाकर। ये पेंटिंग्स जो है हर एक रोज का उनके जीवन का सीन दिखाती हैं, जैसे शिकार करना, राइडिंग, डांसिंग, बहुत सारे रिलीजियस सेरेमनीज, रिचुअल्स, वुमेन जो है घर का काम करते हुए, बच्चे भागते हुए, खेलते हुए, ये सब इन पेंटिंग्स में देखने को मिलता है। अब हम पढ़ते हैं केस स्टडी, पेंटिंग्स इन द डेकन। तो बहुत सारी प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं जो खुदाई, डेकन की खुदाई में मिली हैं। कुछ जो हैं वो बारी मोर गांव में है, चिकुई, नकवासा, इसामपुर, गंगोर में है। फेमस उनमें से जो कुछ फेमस हैं वो मोरगांव, बोरी और इसामपुर की हैं, गुन्नौर की हैं। तो टूल्स और इम्प्लीमेंट्स जो थे यहाँ पर बनाए जाते थे। हंसगी और बेचबेल वैली में, डीकन में जो है बहुत सारी प्रीहिस्टोरिक साइट्स हैं। ये साइट्स जो हैं वो 200 साल से भी ज्यादा, 200 से भी ज्यादा साइट्स हैं जिन पर प्रीहिस्टोरिक एज की पेंटिंग्स देखने को मिली हैं। थैंक यू।